व्हाट्सएप का इस्तेमाल आजकल कौन नहीं करता है, हम हर काम व्हाट्सएप पर करने लगे हैं, इवन आजकल ऑफिस का काम भी व्हाट्सएप पर हो जाता है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आजकल व्हाट्सएप हैक होने के इंसिडेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों को डिस्कस करते हुए सुना है कि यार हमारे व्हाट्सएप से अचानक से कुछ मैसेज चले गए, किसी पास डिलीवर हो गए, या हमारे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि अननोन नंबर से आते हैं, तो ऐसे में बहुत से हाई चांसेस होते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है, और ये इंसिडेंट्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, हाल ही में मेरे ऑफिस में एक कलीग मेरे पास आती हैं, बोलती है कि उनके पास एक SMS आता है फ़ोन पर जिसमें एक OTP दिया गया है, और उसके बाद उनके WhatsApp पर एक फ्रेंड मैसेज करती है कि यार गलती से उनके नंबर पर एक OTP चला गया है। तो और जब वो कंफर्म करने के लिए अपने फ्रेंड के नंबर पर कॉल करती है तो वहाँ से कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, और वो WhatsApp पे उनको बोलता है कि वो OTP उनके साथ शेयर करें। सो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस केसेस में OTP शेयर कर देते हैं, और ऐसे में ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका WhatsApp तुरंत से हैक कर लिया जाता है। और सिर्फ OTP ही नहीं, आजकल WhatsApp वेब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप अपने WhatsApp को लैपटॉप से लिंक करके रखते हैं। सो एक तो मैंने आपको OTP वाला केस बताया, इसके बजाय आजकल QR कोड के ज़रिए भी बहुत ईजीली आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत से मेलिशियस लिंक्स होते हैं जिन्हें अगर आप स्कैन करते हैं तो आपका WhatsApp आपके लैपटॉप पर या आपके डिवाइस पर ओपन तो हो जाता है, लेकिन वो एक प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, मतलब ऑफिशियल एड्रेस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके WhatsApp अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। सो आप ये मेक श्योर करिए कि जब भी आपके पास इस तरीके कोई SMS आते हैं जिसमें कोई OTP दिया गया है, कोई वेरिफिकेशन लिंक दिया गया है, कोई QR कोड मेंशन किया गया है, कोई आपको किसी भी तरीके का कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलता है, अपने फ़ोन का एक्सेस देने के लिए बोलता है, तो ऐसे में किसी भी तरह की प्रैक्टिस को करने से बचें, यानी कि किसी के साथ भी अपने OTP को शेयर ना करें, किसी भी लिंक पर डायरेक्टली क्लिक ना करें जब तक आप श्योर नहीं है कि वो एक ऑफिशियल लिंक है, साथ ही किसी भी QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन ना करें। इन सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपके WhatsApp को बहुत इजीली हैक किया जा सकता है, आपके WhatsApp में जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। अब इन सबसे बचना कैसे है, सबसे पहले तो मेक श्योर करें जो मैंने टिप्स आपको दिए हैं कि इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें, और अपने WhatsApp में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन करके रखें। सबसे पहले आप अगर कहीं भी WhatsApp वेब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने फ़ोन की बजाय अपने लैपटॉप, अपने टैबलेट या अपने कंप्यूटर में WhatsApp वेब ओपन करके रखा है, तो मोस्टली कोशिश करें कि एक ही जगह पर WhatsApp वेब का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो अपने WhatsApp वेब को ईजिली जाकर अपने फ़ोन में से लॉग आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने WhatsApp की सेटिंग्स में एक लिंक डिवाइसेस का फीचर मिलता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका WhatsApp वेब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद आप उन जगहों से WhatsApp वेब को लॉग आउट कर दें। सो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आप WhatsApp में 2-step ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने WhatsApp को अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, इसके बजाय आप कहीं और WhatsApp को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक OTP आएगा और आपके पास एक कन्फर्मेशन आएगा, तभी आप अपने WhatsApp को कहीं दूसरे जगह पर या दूसरे डिवाइस पर लॉग इन कर पाएंगे। सो ये दो बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और कुछ जो बेसिक स्टेप्स हैं वो ये है कि OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपके पास इस तरह के कोई SMS आते हैं, WhatsApp पर मैसेज आता है, आपको लगता है कि वो फिशी है, अननोन है, तो उसको आप तुरंत से ब्लॉक करें और उसको रिपोर्ट करें। तो WhatsApp में चैट में एक ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का, और उसी के नीचे एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स मिलके एक अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं तो WhatsApp ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को बैन कर देता है या उसे डाउन कर देता है। तो ये ना बहुत कॉमन प्रैक्टिसेज हैं, अगर आप WhatsApp भी या किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए और इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हुई है उसके साथ साथ ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड, साइबर अटैक्स भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि खुद को भी सेफ रखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ रखें, तो उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही कोई इंसिडेंट आपने भी एक्सपीरियंस किया है तो वो एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।